हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। यहाँ पर देख सकते हैं एच लुकअप सिखाने वाला हूँ और एच लुकअप में एक अलग तरीके से सिखाऊंगा। पहले तो जनरली कैसे यूज करते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर आ जाइए, कहीं पर भी क्लिक करिए, यहाँ पर भी आपको फॉर्मूला लगाना हो, इज इक्वल टू लिखिए एच लुकअप। एच लुकअप ले लिया आपने और आप वी लुकअप में क्या करते थे, यहाँ से साइड से लेते थे। तो एच लुकअप में हम यहाँ से मान लीजिए हमें टोटल पता करना है, तो टोटल को सिलेक्ट कर लिया, सेल एड्रेस आ चुका है, देख सकते हैं कॉमा देंगे, पूरा का पूरा सेल जो इसका है रेंज उसको सेलेक्ट कर लीजिए, मतलब पूरा टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं और अब कॉमा देते हैं। कॉमा देने के बाद आपको क्या करना है, हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है श्याम का नंबर। तो श्याम कौन सी रो में आ रहा है, आप काउंट कीजिए 1 2 3। तो यहाँ पे आपको 3 देना है सिंपली और कॉमा देना है। एग्जैक्ट मैच के लिए 0 देते हैं और 0 देकर के ब्रैकेट को क्लोज कीजिए और एंटर प्रेस करिएगा। तो यहाँ 412 नंबर आ रहा है, देखिए श्याम का टोटल 412 है कि नहीं है। ये श्याम है, इनको भी येलो कलर में कर दिया मैंने और इनका मार्क्स भी एक अलग कलर से मैं हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको पता लगता रहेगा। तो ये देखिए यहाँ पे 412 नंबर इनका आया हुआ है, ठीक है। लेकिन हम ये ऐसे नहीं चाहते, हमको बार बार यहाँ पर जाकर के सेलेक्ट नहीं करना। तो हम एक काम कर सकते हैं, हम जो भी हमें चाहिए वो यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि हमें सब्जेक्ट 7 का नंबर किसी का देखना है, तो यहाँ पर कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ इसी को, तो ये सब्जेक्ट 7 आ चुका है। अब हमें दिक्कत नहीं होगी, अब हम इज इक्वल टू एच लुकअप लगाएंगे कुछ इस तरीके से। ये एच लुकअप लगाया हमने और अब मान लीजिए हमें सब्जेक्ट 7 का देखना है, तो ये सब्जेक्ट 7 ले लिया, कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद क्या करना है, पूरा का पूरा टेबल एरे सेलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से, कॉमा देंगे। अब क्या करना है, टेबल एरे सेलेक्ट करने के बाद आपको रो इंडेक्स नंबर लेना है। तो मान लीजिए कि इस बार हमें सचिन का लेना है, तो सचिन कौन से रो इंडेक्स में है, तो यहाँ से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर आपको 5 लिखना है और कॉमा देना है और 0 देना है, ठीक है। बंद करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर सचिन के सब्जेक्ट 7 का नंबर आ चुका है 64। अब ये देखते हैं सचिन के सब्जेक्ट 7 का नंबर 64 है या नहीं। तो ये सचिन है और यहाँ पर आते हैं तो ये देखिए, इसे मैं एक अलग कलर से हाईलाइट भी कर देता हूँ कि ये सचिन का नंबर है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे सचिन का 64 आया हुआ है। अब इसके लिए हम एक ड्रॉप डाउन क्रिएट करेंगे। ड्रॉप डाउन कैसे क्रिएट होगी, यहाँ पर कर्सर को रखता हूँ, यहीं पर हम ड्रॉप डाउन बनाने वाले हैं। तो अभी हमें चलना है कहाँ, हमें जाना है डेटा टाइप पर। तो ये डेटा टाइप पे आ गए हम, और डेटा टाइप पे आने के बाद आपको जाना कहाँ है, डेटा वैलिडेशन पर। ये डेटा वैलिडेशन पे आए और यहाँ से हमें लेना है लिस्ट। तो हमें लिस्ट बनानी है, तो लिस्ट कैसे बनेगी, यहाँ पर देख सकते हैं लिस्ट हमें बनानी है इसकी। तो यहाँ पर मान लीजिए कि हमें यहाँ से यहाँ तक चाहिए, ये पूरी रेंज हम सेलेक्ट कर सकते हैं चाहे तो ये सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से ओके कर दिया। तो अब यहाँ देखेंगे आप तो आपको ये लिस्ट नजर आएगी, ये कुछ इस तरीके से। अब आप फॉर्मूला लगाते जाइए, आपका काम होता जाएगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने इसको एक अलग कलर दे देता हूँ ताकि पता चलता रहेगा कि यहाँ पर ही हमने वो रेंज सेलेक्ट की है और यहाँ पर ही हमें उसका कलर जो है टेक्स्ट का कलर व्हाइट कर देता हूँ। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर जैसे जाएंगे तो इज इक्वल टू एच लुकअप लगाता हूँ। अब कमाल देखिए एच लुकअप लगाया हमने और यहाँ से ड्रॉप डाउन से हमको सेलेक्ट करना है, ड्रॉप डाउन में जो भी हो वही हमें सेलेक्ट करना है। कॉमा देंगे, कॉमा देने के बाद क्या करना है, पूरा का पूरा टेबल एरे सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए कि राजू का देखना है, तो राजू को काउंट कीजिए कौन सा नंबर है राजू का, 1 2 3 4 4 है। तो यहाँ पे लिख दीजिए 4, कॉमा दीजिए, 0 दीजिए। एग्जैक्ट मैच के लिए हम 0 ही देते हैं, एंटर प्रेस करेंगे, एन ए आ गया। ये एन ए क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर इसे कोई वैल्यू नहीं मिली है, बस यहाँ ड्रॉप डाउन से आप सेलेक्ट कीजिए सब्जेक्ट 2 देखना है कि 3 देखना है, बस 54 है, जो भी है 54 है। तो यहाँ पर देख लीजिए सब्जेक्ट 2 का 54 है कि नहीं राजू का, ये पूरा ही मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इतना पार्ट हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको दिखता रहेगा कि ये राजू का 54 है कि नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पे 54 है ना राजू का, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत ही आसानी से आप कर लेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से मान लीजिए कि सब्जेक्ट 3 का देखना हो तब क्या करेंगे, तो यहाँ से बस ड्रॉप डाउन से आप चेंज कर दीजिए। सब्जेक्ट 5 में देखिए राजू का कितना है, सब्जेक्ट 5 में नहीं है, ये देखिए 76 है कि नहीं। तो यहाँ पे 76 तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसमें दिक्कत क्या है, ये हो गया 76। और फिर यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर टोटल करते हैं, तो ये टोटल 405 नंबर है कि नहीं, तो ये देखिए ना 405 है तो राजू का। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी कर दिया। तो कुछ इस तरीके से ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।